हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। और स्टूडेंट, यहां पे मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है जनरल एप्टीट्यूड की। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एसएससी है, बैंक पीओ है, या फिर कांस्टेबल या पटवारी या जो भी स्टेट लेवल के या सेंट्रल लेवल के जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं जहां पर जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, तो मेरे वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट, गेट और सीएसआईआर नेट पे भी जनरल एप्टीट्यूड आता है, वो भी इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो पढ़ाने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल थ्योरम। और स्टूडेंट, पॉलिनोमियल थ्योरम क्या होती है? इस थ्योरम्स की हेल्प से हम किसी भी नंबर का जो रिमाइंडर है वो हम निकाल सकते हैं। जब किसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर होता है उसको बहुत इजीली यहां पे निकाल सकते हैं। तो देखो ये थ्योरम क्या होती है, कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं और उस एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि 9 power 100 upon 8, राइट, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका आप रिमाइंडर निकालिए, या फिर आपसे ये पूछा जाए कि 7 power 100 upon 8, इसका आपको रिमाइंडर पूछ लिया जाए, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जिनका हमें रिमाइंडर निकालना होता है, तो हम यहाँ पे इस पॉलिनोमियल थ्योरम की हेल्प से बहुत ही इजीली यहाँ पे रिमाइंडर को निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए कैसे हम यहाँ पे इस टाइप की जो थ्योरम होती है उससे हम रिमाइंडर निकालते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको समझना पड़ेगा। x plus a power n, इसमें जानते हैं बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, x पावर n, nc1 x पावर n माइनस 1 a, nc2 x पावर n माइनस 2 a स्क्वायर। इसमें लास्ट तक यहां तक x की टर्म आती है, पर लास्ट में जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट टर्म आती है, राइट। तो हम अगर इस नंबर को x से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट ये टर्म x से डिवाइड होगी, ये भी x से डिवाइड होगी, ये भी x से डिवाइड होगी, ये भी x से डिवाइड होगी और ये भी x से डिवाइड होगी। पर स्टूडेंट ये वाली जो टर्म होती है ये x से डिवाइड नहीं होती है। तो जब इस टाइप की एक्सपेंशन के अंदर हम x से डिवाइड करते हैं उसी नंबर से जो दे रखा उसी नंबर हम यहां डिवाइड करते हैं, तो यहां जो रिमाइंडर आता है वो ये बचता है, राइट। तो यहां पे जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, a पावर n बचेगा, राइट, जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, क्लियर है। तो ये थ्योरम होती है, एंड दिस थ्योरम इज नोन एज पॉलिनोमियल थ्योरम, एंड दिस इज वेरी यूजफुल थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ डिवीजन, राइट। तो स्टूडेंट कैसे हम यहां पे निकालते हैं तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये लिखा है 9 power 99 upon 8। स्टूडेंट 9 power 99 upon 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 plus 1 power 99 upon 8। और हम जानते हैं स्टूडेंट जब भी ये होता है तब इसका जो रिमाइंडर आता है वो कितना आता है, अकॉर्डिंग टू द पॉलिनोमियल थ्योरम रिमाइंडर विल बी इक्वल टू द एक्सप्रेशन ऑफ 1 power 99 upon 8। स्टूडेंट 1 power 99 upon 8 बचेगा, क्लियर है। और 1 power 99 हम जानते हैं 1 की कितनी पावर करो 99, तो 1 ही आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, 1 होगा। मुझे लगता है आपको ये समझ में आएगा, बहुत इजी कंसेप्ट है। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पे, 8 power 90 upon 7। स्टूडेंट जो 8 power 90 इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 7 plus 1 power 90, एक्चुअली 99 है ये, है ना। सो 99 और स्टूडेंट हम जानते हैं 7 इससे डिवाइड हो रहा है, 1 इससे डिवाइड होगा तो 1 power 99 upon 7 बाय द हेल्प ऑफ पॉलिनोमियल थ्योरम, सो रिमाइंडर विल बी 1। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पर स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन कैसे आता है देखिए आप, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 9 power 99 upon 7, तो भैया ये तकलीफ देह क्वेश्चन हो जाता है कि सर इसको कैसे करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सेम कंसेप्ट लगाएंगे आप, क्या करेंगे इसको लिखेंगे 7 plus 2 power 99 upon 7। तो भैया हम जानते हैं x plus a upon 7, तो ये इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 2 power 99 upon 7। पर स्टूडेंट यहाँ पे लफड़ा पड़ रहा है, 2 power 99 निकालना हमारे लिए मुश्किल है, तो वापस हमें रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पे लाइक पॉलिनोमियल थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम चाहते हैं कि ये जो 7 है ना, तो हम भी यहाँ चाहते हैं कि कुछ 8 या ऐसा कुछ बन जाए, ताकि हम 8 बन जाए तो इसको लिख दे 7 plus 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसको 8 बनाना है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 power 3 power 33। स्टूडेंट मैं ऐसा इसको लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं जी, है ना, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 power 99 ही आएगा। और स्टूडेंट हम लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, 2 power 3, इसको हम लिख सकते हैं 8 upon 7 power 33, राइट। और स्टूडेंट जानते हैं 8 जो होगा उसको क्या लिखेंगे, 7 plus 1 power 33 upon 7। और स्टूडेंट बाय पॉलिनोमियल थ्योरम वी नो दैट द रिमाइंडर विल बी 1 power 33 upon 7, एंड 1 power 33 is 1, सो द रिमाइंडर विल बी 1। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप स्टूडेंट यहाँ पे, अब देखो ये क्वेश्चंस आपको दे रखा है, लाइक आपको दे रखा है 11, 13 and 17 divided by 6, और आपको इसका रिमाइंडर निकालना। तो भैया बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, देखो हम क्या लिख सकते हैं, इस 11 को क्या लिख सकते हैं 6 plus, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 6 plus 5 लिख सकते हैं, राइट। स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, ये अपॉन 6 आ जाएगा यहाँ पे। और वैसे भी अगर आप यू नहीं समझो तो आप बेटर समझ लो, या ज्यादा अच्छा है यहाँ पे, अगर ऐसा कुछ नहीं आ रहा समझ में आप बेटर ये समझ लीजिए। स्टूडेंट यहाँ पे 11 है और ये 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 11 पे रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास,
5 बचेगा, जब 13 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा, और जब 17 को 6 से डिवाइड करेंगे तो इसमें हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा 5 डिवाइडेड बाय 6, सुनिए यहां पे इसकी वैल्यू आएगी 25/6, और 25 को 6 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं रिमाइंडर निकालते हैं। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन देखिए अभी, और अभी मैंने आपको बताया था इस टाइप का क्वेश्चन, स्टूडेंट यहाँ पे क्या देखा 9 पावर 100/7 है भैया, 9 पावर 100/7 क्या लिख सकते हैं 7 प्लस 2 पावर 100 × 7, और स्टूडेंट हम जानते हैं इसका जो रिमाइंडर होता है वो कितना होता है 2 पावर 100/7। स्टूडेंट 2 पावर 100 है, हम जानते हैं यहाँ पे ये 8 हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 पावर 99 × 2/7 ऐसा मैं लिख सकता हूँ, और 2 पावर 99 को स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं ध्यान दीजिए आप, ये लिख सकते हैं 2 पावर 3 पावर 33 × 2 डिवाइडेड बाय 7। स्टूडेंट हम जानते हैं इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 पावर 33 × 2, और हम जानते हैं 8 पावर 33 को हम क्या लिख सकते हैं 7 प्लस 1, राइट, इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 पावर 33 को 7 प्लस 1 33, और स्टूडेंट जानते हैं इसका जो रिमाइंडर आएगा 1 पावर 33/7, और स्टूडेंट इंटू 2 तो आ ही रहा है यहाँ पे ऑलरेडी, ये जो 2 है तो चलेगा ही चलेगा, तो यहाँ पे इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन देखिए आप 9 पावर 50/7, स्टूडेंट वही सेम कंसेप्ट अभी जो हमने किया है, तो क्या करेंगे 7 प्लस 2 लिख देंगे यहाँ पे स्टूडेंट, और 7 प्लस 2 है तो हम जानते हैं क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 पावर 50 हो जाएगा, और 2 पावर 50 को हम जानते हैं कैसे लिख सकते हैं 2 पावर, एक्चुअली इसको हमें यहाँ पे 50 को हमें क्या करना पड़ेगा, चूंकि हम चाहते हैं कि ये 3 बन जाए तो 3 से हम डिवाइड करेंगे, तो जब 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 रिमाइंडर बचेगा स्टूडेंट, 48 टाइप जाएगा 2 रिमाइंडर बचेगा, तो 2 पावर 2 अलग लिख दो, और ये जो 48 है इसको 16 × 3 करके आप लिख दो यहाँ पे, ठीक है ना, तो स्टूडेंट ये 2 पावर 3 8 हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 7 प्लस 1, है ना, और ये 2 पावर 2 4 हो जाएगा, इसमें हम जानते हैं इसका जो रिमाइंडर आएगा 1 पावर 16 × 2 आएगा, देन 1 पावर 16 × 4 तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा 4 होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहां पे हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट 5 पावर 100/7, स्टूडेंट 5 पावर 100/7 है तो हमारे पास इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और ये भी है कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एक तरीका, तो ये भी एक तरीका ये भी हो सकता है कि 7 − 2 पावर 100/7 आ जाएगा, है ना, और सुनिए पे क्या होगा हम जानते हैं बाय द पॉलीनोमियल थ्योरम, देखो यहां पे प्लस हो या माइनस हो तो सुनिए यहां पे आ जाएगा −2 पावर 100/7 आ जाएगा यहाँ पे, और हम जानते हैं नेगेटिव की पावर 100 तो पॉजिटिव ही आएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब 2 पावर 100 है, अभी मैंने बताया था 2 पावर 100 है, तो सुन 2 पावर 100 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पावर 3 × 33, है ना, × 2, याद है ना, अरे 99 और 1 पावर और ऐड हो जाएगी, है ना, तो 100 हो जाएगा डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 7, इसमें आएगा 8, है ना, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 7 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो स्टूडेंट लिख देंगे इसको 7 प्लस 1 पावर 33/7 × 2 आ जाएगा स्टूडेंट, और हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है 1 पावर 33/7 × 2, तो इस वाले केस में इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा। एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये भी, और इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा ईजी पड़ेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट 3 पावर 50/7, स्टूडेंट 3 पावर 50 है, हम अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि 7 और 3 में बहुत डिफरेंस है, राइट, तो हम चाहते हैं कि 7 के आसपास बन जाए, तो हम क्या करेंगे 3 पावर 2 कर देंगे इसको, है ना, तो 3 पावर 2 करेंगे, देखो हम क्या कर देंगे इसको 3 पावर 2 × 25 कर देंगे डिवाइडेड बाय 7, तो स्टूडेंट 9 बन जाएगा, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं 7 प्लस 2 लिख सकते हैं, और सुन जानते हैं हम ये 2 पावर 25/7 हो जाएगा, 2 पावर 25 को स्टूडेंट मैंने बोला कि 8 चाहिए अपने को, है ना, क्योंकि 7 प्लस 1 कर रहे हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पे 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 24 होगा, एक रिमाइंडर बचेगा, तो एक 2 को उधर लिख दो 23 है, तो 24 है, तो 3 × 8 कर दो यहाँ पे, स्टूडेंट इसको 7 प्लस 1 लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 1 पावर 7, और हम जानते हैं 1 पावर 8/7 × 2 तो 1 ही आएगा, तो इसका रिमाइंडर आएगा कितना 2। तो इस तरीके से इसके यहाँ पे हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, सेम टू सेम क्वेश्चन ये रहेगा 3 पावर 20 × 250/7, स्टूडेंट 3 पावर 250 है तो हम क्या करेंगे 3 स्क्वायर करेंगे ताकि 9 बन जाए, और 9 हैगा तो इसको हम क्या लिखेंगे 3 पावर 2 × 125/7, यहाँ पे क्या आएगा 7, स्टूडेंट आएगा 9, और 9 को क्या लिख सकते हैं 7 प्लस 2 × 125/7, स्टूडेंट हम जानते ही आएगा 2 पावर 125/7, पर स्टूडेंट हम यहाँ चाहते हैं यहाँ 8 बन जाए, तो वो 8 बनने के लिए हम जानते हैं 2 पावर 3 होता है ना, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, जब 3 से इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो स्टूडेंट कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा 5 आएगा, स्टूडेंट यहाँ पे एक बार जाएगा डिवाइड, देन यहाँ पे कितना आएगा 3, 2 रिमाइंडर बचा, मतलब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा इसको ऐसा करना पड़ेगा 2 पावर 3 × 41, है ना, ये 41, और यहाँ पे आएगा ये 2 पावर 2 / 7, ऐसा हमें करना पड़ेगा, और स्टूडेंट हम जानते हैं 2 पावर 3, है ना, और 2 पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं हमारे पास 7 प्लस 1, है ना, 7 प्लस 1 पावर
41 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 7 और ये हमारे पास 4 हो जाएगा और हम जानते हैं स्टूडेंट्स के रिमाइंडर कितना था 1 तो 1 पावर 41 इनटू 4 कितना आएगा यहाँ पे ये 4 इसका क्या आएगा रिमाइंडर आएगा तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं तो मुझे लगता है आपको आपको जो पॉलीनोमियल थ्योरम है उसकी हेल्प से हम कैसे रिमाइंडर निकालते हैं ये आपको समझ में आया होगा तो स्टूडेंट बने रहिए इस टाइप के जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं और इसके हेल्प से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा और आने वाले जो वीडियोज़ हैं उसमें आप LCM HCF टाइम एंड वर्क डिस्टेंस है देन और भी जो क्वेश्चन है लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट एंड देन जो लाइक स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं डिस्टेंस एंड स्पीड वाले क्वेश्चन है मैंचुरेशन के क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है जो जनरल एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं ना तो वो सब मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ तो स्टूडेंट बने रहिए और इस टाइप का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है प्लीज आप लाइक करिए शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को जरूर बताते रहिए सो देट कि मैं आगे ऐसे जो सीरीज है वो आपको कंटिन्यू करता रहूँ स्टूडेंट ये मेरा पूरा नया वाला चैनल जहां पर मैं काम कर रहा हूँ और ये मेरा पुराना चैनल जहां पर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं और ये मेरी प्लेलिस्ट है आप जाके यहाँ पे मेरे वीडियोस को देख सकते हैं तो थैंक यू सो मच